तो लिखो एप्लीकेशन नंबर टू डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन. Correctness of a given relation. तो dimensional analysis क्या करेगा? Check करेगा कि कोई equation dimensionally correct है या नहीं. For example, आपके पास given है एक equation s is equal to vt. तो s इज इक्वल टू vt में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? l. राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस 1. टाइम का क्या होता है? t. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? l. तो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब बराबर पावर्स. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट का डायमेंशनली फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है. सिंपल, कुछ नहीं करना. लेफ्ट और राइट इक्वेट, चेक करके देखो पावर सेम है तो सब सही है. जैसे फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में मान लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी फॉर वेलोसिटी, चाहे फाइनल चाहे इनिशियल कोई फर्क नहीं. U फॉर वेलोसिटी, चाहे फाइनल चाहे इनिशियल कोई फर्क नहीं. LT माइनस 1, LT माइनस 1. एक्सेलरेशन क्या होता है? LT माइनस 2. और टाइम क्या होता है? T. तो क्या आएगा? LT माइनस 1. इस रिलेशन में तीन टर्म्स हैं, पहली दूसरी और तीसरी. तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है तो ये रिलेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है. तो जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट में दो ही टर्म्स होंगी, चार टर्म्स हैं, एड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे सपोज करो, अगर मैं यही चीज ये बोलूं आपको, लेट अस सपोज, ऐसे एग्जांपल लेता हूं कि मैंने 10 केजी मास में 5 केजी मास ऐड किया तो मेरे पास 15 केजी मास आ गया. मैं ये तो नहीं बोलता कि 10 केजी मास में मैंने अपनी कार की वेलोसिटी ऐड कर दी तो मेरे पास 15 न्यूटन आंसर आ गया. आपको ये क्या है, ऐसा ना होता है भाई. तो इसका मतलब अगर मैं 2 मिनट के लिए इन नंबर्स को भूल जाऊं, भूल जाओ नंबर्स को, तो यूनिट्स को देखो. अगर पहला यूनिट केजी है, दूसरा भी केजी है, तो आंसर भी केजी, तो ये करेक्ट है. पर अगर पहला यूनिट नंबर का कोई चक्कर नहीं, केजी है, दूसरा मीटर पर सेकंड है, तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. इसी चीज को डायमेंशनली लिखना है. केजी का मतलब क्या होता है? एम. अगर पहली टर्म एम है, दूसरी टर्म भी एम है, तो आंसर भी एम में ही आएगा. यह बताने की कोशिश कर रहा हूं. क्या यह पॉइंट क्लियर है कि कैसे चेक करना है करेक्टनेस? फॉर एग्जांपल, आपके पास इक्वेशन है एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चेक करना करेक्ट है कि नहीं. तो इसमें s का मतलब l है, u वेलोसिटी का मतलब lt माइनस 1, और टाइम का मतलब t है. हाफ का कोई ना यूनिट होता है ना डायमेंशन, इसको लेना ही नहीं. एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, और टाइम का t का स्क्वायर है. तो ये l है, ये क्या आएगा? ये l है, ये क्या आएगा? ये l है. l l l सेम है, कोई डाउट इसमें? तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो फिर करें क्वेश्चन स्टार्ट. समझ में आ गई? तो मैं आपको तीन क्वेश्चन दूंगा, वो तीन क्वेश्चंस के तीन क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों के ठीक हो जाते हैं. पहला क्वेश्चन, f इज a इंटू एक्स माइनस
बी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक, ये रिलेशन करेक्ट है, ये रिलेशन करेक्ट है। आपको इसमें ए एंड बी, ए एंड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है क्या है। इस क्वेश्चन में एफ का मतलब फोर्स है, एक्स का मतलब लेंथ है और टी का मतलब टाइम है। देखो बोलो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम टी माइनस टू, और बी का एम एल। मुझे पता, चेक करते हैं अभी। तो कितने लोगों का यही आ रहा है, ए का कितना, एम टी माइनस टू, ए एम टी माइनस टू है। सही है, तो इसमें F का, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एम एल टी माइनस टू होगा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एम एल माइनस टू होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही किया, क्योंकि इक्वेशन है ना, तीन क्वांटिटीज हैं। अगर ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी और ये तीसरी, और इक्वेशन है, तो तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा। तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, अब क्योंकि a इंटू एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू है, ठीक है, तो a इंटू एक्स की जगह l पुट कर देते हैं, एम एल टी माइनस टू है, तो l से l क्या हो गया, कैंसल, आंसर एम टी माइनस टू, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे बी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर भी एम एल टी माइनस टू है, तो बी टाइम की जगह टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू है, तो बी विल बी इक्वल टू टी का स्क्वायर एम एल टी माइनस टू है, b is equal to ml t की पावर 0, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, ml, यही आया था आंसर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपका सही है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है e इज इक्वल टू a माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय b b इंटू टी स्क्वायर, वेयर e फॉर एनर्जी, एक्स लेंथ एंड टी टाइम। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी।
लोगों का इसमें ए एल रेज टू पावर हाफ है, ठीक है, ठीक है, ए की वैल्यू एल रेज टू पावर हाफ है। एक बात बताओ, ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या कभी सुने 10 kg में से 5 m/s माइनस हो गया? नहीं। तो अगर ये वाली टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला एल की पावर हाफ है, पक्की बात है इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल की पावर हाफ ही होगा, क्योंकि एक जैसी क्वांटिटीज ही आपस में माइनस या प्लस होती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर यानी कि ये एल की पावर हाफ, तो ये भी एल की पावर हाफ ही है, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला तो बिल्कुल क्लियर है, एल की पावर हाफ। कोई डाउट इसमें? पहला क्लियर है, ठीक। अब बी की बारी। मुझे ये बताओ कि अब अगर मैं यहां डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करूं, तो ई फॉर एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू बी, मुझे निकालना है टी का मतलब टाइम स्क्वायर, न्यूमिनेटर में क्या पुट करूं डायमेंशन फॉर्मूला? ये एल एल हाफ है, ये भी एल हाफ है, तो यहां क्या पुट करूं? कितने लोग बोलते हैं वन, कितने लोग बोलते हैं एल हाफ, एल की पावर हाफ, यही पुट कर दूं? बिल्कुल सही, एल की पावर हाफ ही आएगा, क्योंकि अगर ये केजी होता, ये भी केजी होता, तो आंसर भी किसमें आता? केजी। देखो इसमें माइनस नहीं हो रहा, ये तो बस क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड डायमेंशन चेक हो रहे हैं, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये ना कोई कहे एल की पावर हाफ माइनस एल की पावर इज जीरो, मतलब 5 किलो में से, किलो में से किलो की टर्म माइनस की तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा भाई, किलो की टर्म ही आएगी। उसी तरीके से न्यूमिनेटर में क्या आएगा? एल की पावर हाफ, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी एल की पावर हाफ टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर एम एल टू टी माइनस टू, तो सॉल्व करके टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, तो एल की पावर हाफ माइनस टू और एम की पावर माइनस वन, ऐसी, ठीक। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? एल की पावर -3/2, एम की पावर कितनी? -1, ऐसे ही बोला था आपने? ओके ठीक, डन। दूसरा भी सही है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक टर्म में से दूसरी टर्म जब माइनस कर रहे हैं, एम की टर्म में से एम की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर भी एम ही आएगा, इसलिए न्यूमिनेटर में एल की पावर क्या पुट की? हाफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ए माइनस के टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक, वेयर ए इज लेंथ, इसका डायमेंशन लेंथ का है, वाई का डायमेंशन लेंथ का है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, यू हैव टू कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड के। हटा दो इसमें वो एक रहेगी, बस इतना ही रहने दो, ये बस इतना ही है, चेंज कर रहा हूं मैं +4। अब बताओ,
ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये एल और एल है कट गया तो साइन ऑफ के वन बच गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये भी देखने की क्या जरूरत है, ठीक। आप सिर्फ ये बताओ मुझे, साइन के आगे जो भी टर्म है वो क्या है? एंगल है। और एंगल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? होता ही नहीं, क्या होता है? वन। तो आप इसको देखने की जरूरत ही नहीं आपको। तो साइन के अंदर जो भी टर्म है, ओमेगा इंटू ए माइनस के इंटू टी स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए? वन, ठीक है। और अगर ये वन है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वन आना चाहिए, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वन ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ओमेगा इंटू ए क्या आना चाहिए? वन। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? वन बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? टी की पावर माइनस वन। तो आंसर क्या आएगा? टी, बिल्कुल ठीक। उसी तरीके से के इंटू टी स्क्वायर क्या आना चाहिए? वन। तो के की वैल्यू इज इक्वल टू वन बाय टी का स्क्वायर, वन बाय टी का स्क्वायर। तो वन बाय टी का स्क्वायर यानी कि टी रेज टू पावर माइनस, सही, तीनों सही है।